सड़क पर टायर चलते तो सभी ने देखे हैं, लेकिन क्या आपने टायर से सड़क बनते देखी है? जी हाँ, ये है अमेजिंग टेक्नोलॉजी। यहाँ पर रिसाइकल किए जाने वाले खराब टायर्स का इस्तेमाल किया जाता है और इससे सड़क बना डालते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है। ये समय के साथ साथ धसती नहीं, क्योंकि इसके अंदर होते हैं मजबूत टायर जो सड़क के शेप को वापस ला देते हैं, मतलब एकदम फ्लेक्सिबल वाली सड़क। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दिमाग को हिला देने वाली झन्नाट टेक्नोलॉजी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। आपने घर बनते देखे होंगे, सड़क बनते देखी होगी, जेसीबी की खुदाई भी देखी होगी, लेकिन क्या आपने सड़क बनने की इस बेहतरीन टेक्नोलॉजी को देखा है? इस टेक्नोलॉजी का नाम है टाइगर स्टोन। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, बस इस मशीन में आपको ईंटें भर देनी है और ये अपने आप आपके लिए एक बेहतरीन रोड बना देगी, वो भी ऑटोमेटिकली। इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है, बना देंगे मकान जोड़कर ईंट और रोड़ा, बना देंगे मकान जोड़कर ईंट और रोड़ा, फिर उसी मकान के अंदर रहना क्योंकि बढ़ता जाएगा लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा। तो यार आज के इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना, क्योंकि भाई बिल्कुल अलग वीडियो और बहुत ही ज्यादा ज्यादा मजेदार वीडियो है, एकदम फ्रेश वीडियो है, बिल्कुल मेरे फ्रेश नए सेटअप की तरह। तो यार बस बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। चाइना में 10 दिनों के अंदर 1000 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो गया, और सिर्फ चाइना में नहीं दुनिया भर में 10-10 मंजिल ऊंची इमारतों को 10-10 दिन में बना दिया जाता है। लेकिन ऐसा कैसे, क्योंकि भैया हमारे इंडिया में तो एक मंजिल का मकान बनने में सालों लग जाते हैं, साल तो नहीं लेकिन कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं। तो सुपर फास्ट बिल्डिंग बनाने का राज है यूनिटाइज्ड बिल्डिंग। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर पहले से ही मॉड्यूलर कमरे बने होते हैं, मतलब पहले से ही रेडीमेड कमरे होते हैं जिनके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। इन्हें फैक्ट्री में बनाया जाता है और उसके बाद क्रेन की मदद से उठाकर इन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है, आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, सारी फिटिंग्स कर दी जाती हैं और बन जाती है एक शानदार बिल्डिंग, वो भी कुछ ही दिनों में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बिल्डिंग है या बच्चों का खिलौना, तो ये बिल्डिंग्स उतनी ही मजबूत रहती है जितनी ईंट और सीमेंट से बनी हुई नॉर्मल बिल्डिंग्स रहती है। इनको बनाने का खर्चा भी कम है और सबसे बड़ी बात तो भाई इन बिल्डिंग्स को बनने में टाइम बहुत कम लगता है। तो अगर आपको झन्नाट टेक्नोलॉजी के बारे में अभी तक नहीं मालूम था तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे हम देखने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी यहाँ पर प्लास्टिक की वॉल से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की छत बना दी जाती है। छत बनाने की ऐसी टेक्निक ना आपने देखी होगी ना सुनी होगी, क्योंकि भैया यहाँ पर प्लास्टिक की वॉल से छत बना दी जाती है। जी हाँ, प्लास्टिक की वॉल से। सबसे पहले लोहे के एक खांचे में प्लास्टिक की वॉल्स को फंसा दिया जाता है और उसके बाद भर दिया जाता है उनके ऊपर कॉन्क्रीट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या मजाक है भाई, ऐसा क्यों करते हैं? तो उसके पीछे भी है एक टेक्नोलॉजी, पैसा बचाने की टेक्नोलॉजी। जब छत बनाई जाती है, छत का बेस बनाया जाता है, तो प्लास्टिक की बॉल्स भर देने से कंक्रीट बहुत कम यूज होता है और बिल्डर्स का बहुत सारा पैसा बच जाता है। और साथ ही साथ छत का ये जो फ्रेम होता है इसका वजन भी काफी कम हो जाता है, तो इसको उठाने के लिए ज्यादा बड़ी मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, ये जो फ्रेम होते हैं ये नॉर्मल कॉन्क्रीट से बने फ्रेम के मुकाबले ज्यादा मजबूत होते हैं। तो जिसने भी ये दिमाग सबसे पहले लगाया भैया, उसको 21 तोपों की सलामी, छत भी बना डाली और पैसे भी बना डाले। ब्रिक की ये एक प्रोडक्ट का नाम है और भैया इसका काम बड़ा कमाल का है। दीवार में चुनाई करते तो आपने किसी ना किसी को देखा ही होगा, लेकिन ये टूल शायद आपने इंडिया में नहीं देखा होगा। इसको यूज करते टाइम ना मसाला गिरता है ना टाइम खराब होता है और काम होता है एकदम सफाई से, और इससे दीवार बनती है एकदम सटासट फिनिशिंग के साथ। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि भाई इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो इंडिया में हम घिसी पिटी टेक्नोलॉजी क्यों यूज करते हैं? तो भाई इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसका जवाब मैं अभी थोड़ी देर बाद देने वाला हूँ, तो वीडियो को छोड़कर भागना मत। बेलन से रोटियां बनती तो देखी होगी, क्या आपने बड़ी बड़ी नालियां बनते देखी हैं, वो भी बेलन से? वैसे तो इस काम को हाथ से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें बड़ी उठापटक होती है, बड़ी झंझट रहती है। और यहाँ ये बड़े बड़े बेलन इन बड़ी बड़ी नालियों को चुटकियों में बना डालते हैं, वो भी एकदम सफाई के साथ। बस मसाला डालते जाओ और बेलन अपना काम करता जाएगा। शुरुआत में मैंने बताया था कि भाई टायर से लोग रोड बना डालते हैं, लेकिन ऐसे चमत्कार इंडिया में क्यों नहीं होते? तो भाई उसका कारण है कि अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से रोड बना दी तो रोड सालों साल तक खराब नहीं होगी, और जब रोड खराब नहीं होगी तो उसके रिपेयर के नाम पर कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट से पैसे कैसे निकलवाएगा? बार बार रोड खराब होती है, बार बार मेंटेनेंस होता रहता है, और जब भैया रोड एक बार अच्छी बन जाती है तो उस पर खोद डालते हैं नाली। क्या आपने कभी ऐसी चीज महसूस की है कि या तो रोड बनती ही नहीं है, और जब अच्छी रोड बन जाती है तो कुछ ही महीनों बाद जानबूझकर नाली डालने के बहाने उसे खोद कर खराब कर दिया जाता है? क्योंकि रोड खराब होगी तभी तो भैया लोगों की जिंदगी आबाद होगी, लोगों
की नहीं रोड बनाने वालों की जिंदगी आबाद होगी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। घर में रहो, सेफ रहो और कैश करो से ऑनलाइन शॉपिंग करके ऐश करो। मेरा मतलब है कमाओ ढेर सारा रियल कैश और साथ ही साथ पाओ बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से साइन अप करो, यूज करो कोड Extra25 और पाओ ₹25 का साइन अप बोनस। तो चलो यार मैं भी चलता हूँ, मुझे भी ऑनलाइन शॉपिंग करके बहुत सारी चीजें मंगानी है क्योंकि यार इस सेटअप को अभी सजाना बाकी है, बहुत सारा काम बाकी है। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।